श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण के कार्यों को अवलोकन करने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। अवलोकन से पहले मुख्यमंत्री महाकाल लोक के लोकार्पण की सफलता पर आयोजित आयोजन समितियों के आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह के लिए बनाई स्थानीय 27 समितियों के संयोजकों एवं समाज सेवियों संग बैठक कर रहे हैं। समिति संयोजकों के सहयोग के लिए आभार मानेंगे। बैठक में श्री महाकाल लोक की देख रेख की जिम्मेदारी किन हाथों में सौंपी जाए इस विषय पर चर्चा की जाएगी। संभव है कि इस संबंध में निर्णय भी हो जाए। कहा गया है कि मुख्यमंत्री त्रिवेणी कला संग्रहालय के ऑडिटोरियम में अफसरों के साथ महाकाल योजना के द्वितीय चरण के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। मालूम हो कि 11 अक्टूबर को हुए श्री महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह को सफल बनाने में उज्जैन के स्थानीय समिति संयोजकों का काफी सहयोग रहा था। इस भारतीय संस्कृति के सबसे विराट केंद्र के रूप में विख्यात उज्जैन की पावन धरा पर जो विराट पर्व हम सभी ने महाकाल लोक लोकार्पण का देखा, इसे महत्वपूर्ण बैठक के प्रज्वलन के लिए मैं समस्त अतिथियों माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, माननीय सांसद जी, समस्त प्रातः स्मरण संतों से मैं अनुरोध करता हूँ कि दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यकर्ता शुभारम्भ करें। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छा।